उन्होंने कहा है इस बार 50 पार। उन्होंने कहा है टारगेट लक्ष्य फिक्स कर दिया गया है, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दी थी ऐसे हमें 50 पार जो है उसे भेजना है और जीतेंगे तो हम जीतेंगे और सीएम जो है वो पार्टी का पार्टी है। पहले लोगों को उनकी बातों का जवाब दे फिर हमसे बात करें। 50 क्या अब 5 का आंकड़े की बात करें, 50 क्या अब 5 का आंकड़े की बात करें। इनसे पूछिए, मैं आपके माध्यम से इनको चिता कि व्हाइट पेपर निकालिए आपने कितनी डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर किया। आपने अगर डेवलपमेंट किया तो फिर आपने बेरोजगारी क्यों नहीं दूर की? कहां हमारी आर्टिफिशियल एड, कहां हमारा जू है? आप तो सत्ता में आए थे कि भी हम महंगाई को दूर करेंगे, और किस मुंह से आप कहते हैं कि हम 50 सीटें जीतेंगे जम्मू? किस मुंह से आप कहते हैं कि हम 50 सीटें जीतेंगे जम्मू? जो नेता कभी जो स्टेज पर बैठा करते निर्देश दिया करते थे, आज वो ऐसे लोगों के सामने नीचे बैठे हैं तो हैरानगी लग रही थी मुझे कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो गरीब आवाम से चीजें जुड़ी हैं। हमने कहा कि आप अगली बार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को लेके आओ, कांग्रेस वही पेट्रोल और डीजल के रेट करेगी जो 2014 में थी, गैस के वही रेट करेगी 2014 में थी। हम खाने का तेल खाते ना वो 70 रुपए था, इन्होंने 7 वर्ष में उसको 270 रुपए कर दिया। बाबा जो कहते थे 35-35 रुपए किलो लीटर तेल चाहिए या आपको 70 रुपए वाला लीटर तेल चाहिए, आज उनसे पूछिए ना 105 रुपए और कई कई स्टेटों में 110 रुपए कहीं डीजल कहीं पेट्रोल के दाम। आने वाले दिन में हम ये भी फैसला करेंगे कि बिजली कैसे कितनी मुफ्त देनी है, पानी कैसे कितना मुफ्त देना है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर इस समय सियासी उठक बैठक जो है वो लगातार चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने अपना रुख जो है वो बदल दिया है। पूरे भारत की अगर बात करूं तो एक आक्रोश के साथ जन जागरण अभियान जो है उसे शुरुआत जो है वो की गई है। 14 नवंबर का वो दिन चुना गया, वो तस्वीरें भी आपने जम्मू से देखी थी। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर ड्यूटी में किस तरीके से सियासी हालात जो है वो बदल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ मसले हैं जिसको कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन का बिल्कुल बचता है तो वो रखने जा रही है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता वो फॉर्मर मिनिस्टर जोगेश सानी जी हैं। सीधी बात इनसे करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार ये सब चीजों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले स्वागत करता हूं, बहुत नमस्कार शोभन जी, थैंक्स आपका। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस में आप लास्ट टाइम भी आपसे मिला था ये पूछा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सोई दिखाई दे रही है, एक सुस्त दिखाई दे रही है, इस तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि हाई कमांड का पीछे से आदेश है उसके बाद थोड़े से एक्टिव दिखे, लेकिन 14 नवंबर को इतना जन समूह दिखाई दिया, धक्का मुक्की भी दिखाई दी, उसमें आपके वो कार्यकर्ता दिखाई दी, इतना जोश दिखाई दिया, पूरे भारत में तस्वीरें देखने को मिली और उसी के तहत आपका जो 14 से 15 दिन है वो रहने वाले हैं। कांग्रेस रिवाइव मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन कल एक बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ने अपनी जो उनकी कार्यकारिणी बैठक थी उसमें दिया, उन्होंने कहा कि विपक्ष अब खत्म हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा विपक्ष अब खत्म हो चुका है और उन्होंने इसका श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उनकी सोच के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, जो उनकी सोच है उनके दायरे तक ही सीमित है। और खास करके जो हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग हैं वो जानते हैं कि भी ये जिन्होंने कल कुछ बयान दिया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना अच्छा समझता अपने आप मुंह से उनके बारे में नाम लूं, क्योंकि जो मैं अगर कुछ बोलूं तो मुझे अपने आप पे भी थोड़ा महसूस होता है कि ऐसे इंसान के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं जिसको इस जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, और खास करके अगर कल परसों का जो 14 तारीख का जो जनसैलाब देखा था तो तब उनके कान खुल जाने चाहिए कि आज हम कहां खड़े और कांग्रेस कहां खड़ी है। और आप लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा कि जो जनसमूह इकट्ठा हुआ था 14 नवंबर को, और एक शुरुआत नहीं थी वो चेतावनी थी बाकी पार्टियों को जो ये सोचती है कि जैसे कुछ लोग नेता कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा बड़ा हाथ है। अब वो आने वाले समय में ये 15 दिन देखेंगे, जैसे कल भी हमारा एक प्रोग्राम, उसके बाद हम हर मोहल्ले के अंदर हर वार्ड के अंदर प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, जन जागरण की जो शुरुआत की है 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिवस पर, तब जनता का सहयोग देखेगी ये पार्टी और तब इनको अपनी नींव इनकी हिल चुकी है। एक चीज उन्होंने और कही, जो इंटरव्यू में कही उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि जितने भी दिग्गज नेता
आज इस मंच पर रमन बाला जी का उन्होंने इशारा करके साफ तौर पर कहा, क्योंकि उस मंच पर तमाम अधिकारी नेता थे, चौधरी लाल सिंह थे, रमन बाला जी थे, हर्ष देवी थे, उन्होंने कहा कि जो नेता जम्मू की बात करने के लिए एक मंच पर आए हैं उनके लिए क्या संदेश है। उन्होंने कहा आने वाले दिन सारे कांग्रेस बीजेपी जाए जाना, इस बिहार को कैसे देख रहे, क्योंकि वो उनको लगता है कि रमन बाला जी आज भी बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। और मैंने हालांकि इंटरव्यू भी किया रमन बाला जी से, उन्होंने कहा साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ और मध्य तक मैं कांग्रेसी ही रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आज भी वो हंसते हुए स्माइल करते हुए कह रहे हैं, इशारा किस ओर है। मेरे शुरू जी खाना की उस इंसान के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मैंने पहले भी आपको कह दिया कि उनकी सोच कैसी है, ये पत्रकार बंधु हमारे चित्रण जाते थे उनके बारे में कुछ कहना चाहता। जहां तक सवाल है हमारे नेताओं का, 14 तारीख के प्रोग्राम में तो लाल सिंह जी शामिल थे तो ना हरदेव जी शामिल थे, उसमें जी रमन भल्ला जी, मूलाराम जी, रविंदर शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के रूरल के अध्यक्ष, हमारे बाकी सभी सीनियर नेता एक मंच पे खड़े थे और वो हमेशा कांग्रेस के मंच पे खड़े नजर आएंगे आपको। और जो लोग गए हैं उनको ज्यादा बेटर मालूम होगा कि वो किस हालात में गए और कोई क्या मजबूरियां, जो कल आपने अगर वो देखा होगा, मुझे तो खुद अपने आप में बड़ा फील हो रहा था कि जो नेता कभी जो स्टेज पर बैठा करते निर्देश दिया करते थे, आज वो ऐसे लोगों के सामने नीचे बैठे हैं, तो हैरानगी लग रही थी मुझे कि भी कोई अपना गरूर भी होता है, कोई अपनी इज्जत भी होती है, और हमारी इज्जत अपने हाथ में है, हमने कोई डकैतियां नहीं मारी, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने कोई दो नंबर के धंधे नहीं किए कि हमें मोदी सीबीआई से करा देगा। हम लोग कांग्रेस एक कर्मठ कार्यकर्ता है और हम इनसे डरने वाले नहीं, हमारा तो एक लक्ष्य है कि जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को जगाना। जिस तरीके से हमने जम्मू में ये 14 तारीख को लॉन्च किया प्रोग्राम, उसी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष मीर साहब ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया अपने बॉर्डर टाउन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां से स्टार्ट किया कश्मीर से, तो हम लोग उनको जगाएंगे कि जो पिछले 7 वर्ष में लोगों ने आपसे वादे किए सरकार ने, जो हमसे हमारे हक छीनेंगे, क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो हक हमें मिलेंगे, कई हक दिलाएंगे? ये हक उनको कांग्रेस दिलाएगी जब सत्ता में आएगी और इनको खाड़ फेंकेंगे हम लखनपुर के बाहर भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक इंटरव्यू में जो बयान दिया जिसके बाद काफी सियासी माहौल गर्मा गया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोट भी कर रहा हूँ उनको, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर MLC रह चुके हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उस बयान को कैसे देखते हैं कांग्रेस, उस बयान को कैसे देखती है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, और दूसरी तरफ एक हित पे बात करनी और दूसरे हित के बारे में इस तरीके से बयानबाजी करना, और जो कार्रवाई की गई उन्हें जो है वो तमाम उन ओहदों से हटा दिया गया, उसके बाद क्या संतुष्ट है कि जितनी कार्रवाई की गई वो काफी थी कि उससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि एक समुदाय के अंदर रहना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी को हम जो है वो जात के नाम पर बांट नहीं सकते, वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी जम्मू कश्मीर पूरे देश का जो है वो विकास होगा। लेकिन जो बयान दिया गया था, हालांकि उन्होंने माफी मांगी बाद में, उन्होंने तमाम एक्सप्लेनेशन जो निकाला उसमें उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन उनको ओहदे से हटा दिया गया, सिर्फ कार्रवाई इतनी की गई। मेरा एक ही चीज कहना आपसे आपके माध्यम से कि भी जो उनके विचार थे वो खुद उसका जवाब दें, उनकी पार्टी उनका जवाब दे, जब उन्होंने दिया मैं उसमें कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन हम सोच की बात करते हैं। अगर मीडिया में आपने देखा होगा तो राहुल जी का एक बयान आया 12 तारीख को वर्धा में जो गांधी आश्रम है वहां हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे लोग वहां जम्मू कश्मीर से हमारे दो साथी ट्रेनिंग करने के लिए गए, जिसमें हमारे राजदीप सिंह जी थे और एक हमारे काउंसलर हैं, हमारे जो लीडर है हमारे हाउस के अंदर द्वारका चौधरी जी, उनको भेजा और अगर उनका भाषण सुना होगा, जनता ने सुना बड़ा, उन्होंने कहा भी हमारी और भारतीय जनता की सोच में बहुत फर्क है, उनकी सोच किस तरफ लेके जाती है और भारत को कहां लेके जा रही है और कांग्रेस की सोच क्या है, ये हमने लोगों को बताना है। हम लोग सभी धर्मों आपस में भाईचारे का इनाम देते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, उनकी सोच जो है वो आपने खुद देख ली, जो उन्होंने बयान दिया इसमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना। एक चीज में हो जाना चाहूंगा, अब कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जो जन जागरण जो अभियान आपने शुरू किया है वो 10-15 दिन रहने वाला है,
एक चीज मैं आपको भी बता दूंगा, आपको भी नॉलेज ऑलरेडी है ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे बच्चे काफी परेशान हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में बढ़ेगा अगर इस पे काम जो लगाम जो है वो नहीं लगाएंगे। इस समय अगर मैं बात करूं तो लगभग 22% जो CMIE का आंकड़ा है वो दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी अमंग ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटी जो है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर है तो जम्मू कश्मीर ड्यूटी का है। इसे कांग्रेस कैसे देख रही है, क्योंकि अब जो अभी कहा गया, हालांकि 90,000 हम और रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक करने जा रहे हैं, जो पहले 50,000 थी वो तो फिलहाल कोई नहीं, लेकिन 90,000 एलजी के एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि 90,000 और देने जा रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां पूरे भारत का लगभग 7% है और जम्मू कश्मीर का खाली 22% जा रहा है। इसे कांग्रेस कैसे देखती है? ये जो लोग जो आपसे जो आपने कहा इंटरव्यू लिया दूसरी पार्टी के लिए, उनको ये जवाब देना चाहिए, इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप किस तरीके से कहते हो कि हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ यहां सरकार में आएंगे? अपनी जो नाकामयाबियां हैं, जो नलायकी हैं, वो यही है कि आपकी पार्टी सत्ता में है हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू के अंदर भी आपका नुमाइंदा ही सत्ताधारी बैठे हुए हैं, जो एलजी साहब बैठे हुए हैं। अगर 22% से ऊपर जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो जा रही है, इसका कसूरवार क्यों है? इसके कसूरवार यही पार्टी के लोग हैं, यही सरकार के लोग। हमने कहा इस जन जागरण प्रोग्राम के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी हालत क्या कर दी, चाहे महंगाई है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे हमारे स्टेट हुड का जो हमारा मसला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसी को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप क्या दोबारा इन 25 नाकाम आप लोगों को जिता के यहां भेजना चाहते हैं, या उस कांग्रेस को जिसने 2002 से लेके 2008 तक जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया, डेवलपमेंट की नदियां बहा दी हर सेक्टर के अंदर, या उसको अब सत्ता के में लेके आना चाहते हो कि जो लोगों की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, और हमारे जो नौजवान साथी जो भाई छोटे हमारे हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए घर पे बैठे हुए आज और बेरोजगार बैठे बैठे हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए कि कांग्रेस को आप लाना चाहते हैं, कांग्रेस लोगों के बीच में रहने वाली, और ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हैं जिस तरीके से लोगों के नेताओं ने, चाहे वो इनके एक्स चीफ मिनिस्टर थे, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनके मिनिस्टर से जो उन्होंने जमीनों में घोटाले किए, जो अनऑथराइज इन्होंने लैंड पे कब्जे किए और करप्शन जो इन लोगों ने की, इसका जवाब तो इनके जो नेता है उनको देना पड़ेगा और जनता इनसे जवाब मांगेगी। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो गरीब आवाम से चीजें जुड़ी है। हमने कहा कि आप अगली बार पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को लेके आओ, कांग्रेस वही पेट्रोल और डीजल के रेट करेगी जो 2014 में थी, गैस के वही रेट करेगी 2014 में थी। आप बताइए, इनसे पूछिए जो सत्ता के नशे में चूर हैं, कि आप कहते हो 70 वर्ष लगे। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं, तो हम खाने का तेल खाते ना, वो 70 रुपए था, इन्होंने 7 वर्ष में उसको 270 रुपए कर दिया। मार किसको पड़ी? महंगाई की मार जितनी इस बार पड़ी वो हमें दिखाई नहीं देते, उनके वो काने टीरे बाबा जो कहते थे 35-35 रुपए किलो लीटर तेल चाहिए या आपको 70 रुपए वाला लीटर तेल चाहिए, आज उनसे पूछिए ना 105 रुपए और कहीं कहीं स्टेटों में 110 रुपए कहीं डीजल कहीं पेट्रोल के दाम। लोग खाने को तरस रहे हैं सरसों का तेल, पानी में उबालकर सब्जियां खाती हैं, नेताओं से पूछिए जो सत्ता के नशे में चूर होकर कह रहे कि नहीं हम सत्ता में आएंगे और सभी लोग कांग्रेस छोड़ के यहां आ जाएंगे। कांग्रेस का जन समूह अगर उन लोगों ने देखा ना तो वो देख ले, अभी वो छोटी रैली थी, अभी छोटा वो जन समूह, लगता है परमिशन मिलेगी, देखिए क्या नहीं मिलेगी। कांग्रेस तो जाएगी घर घर घुसेगी और घर घर आने वाले वक्त में आपको कांग्रेस के लोग दिखाई। आप 25 लोगों की बात है जो एमएलए जीत के गए थे भारतीय जनता पार्टी के, कल उन्होंने एक नया टारगेट सेट किया है अपने तमाम नेताओं के लिए, उन्होंने कहा है इस बार 50 पार, उन्होंने कहा है टारगेट लक्ष्य फिक्स कर दिया गया है, अर्जुन को जैसे मछली की आंख दी थी ऐसे हमें 50 पार जो है उसे भेदना है। शुरुआत जो होस्ट ने करी उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद कितना हमने काम किया, वो उपलब्धियां लोगों तक लेके जाइए, वो चीजें लोगों को बताइए, ये चीज है। लेकिन उस मैनिफेस्टो या उस जो मीटिंग थी उसके अंदर भी महंगाई की
या बेरोजगारी की बात किसी भी रैली में नहीं की जाती है। की जाती है तो पाकिस्तान पे बात की जाती है, की जाती है तो डेवलपमेंट पे बात की जाती है। डेवलपमेंट मानिए, हम भी मानते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी और जो हमारा महंगाई है इस दर पे कोई बात नहीं करता है। तो 50 पार कांग्रेस को जो है वो समझ नहीं रहे कि सामने है, तो बोल रहे हैं कि विपक्ष सुफड़ा साफ है और जीतेंगे तो हम जीतेंगे और सीएम जो है वो बांटने का पार्टी बनाएंगे। मैंने कहा कि उनको यही पूछिए कि अगर 14 तारीख की रैली देखी है अब भी होश है कि नहीं है। लेकिन जो 50 जो 50 जो 50 सुनहरी सपने, वो सपने छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये बात कर रहे हैं, इन्होंने डेवलपमेंट अगर की है 2017 के बाद हमने बड़ी डेवलपमेंट की है। इनसे पूछिए, मैं आपके माध्यम से इनको चिताव कहता हूं कि व्हाइट पेपर निकालिए, आपने कितनी डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर की। आपने अगर डेवलपमेंट किया तो फिर आपने बेरोजगारी क्यों नहीं दूर की? कहां हमारी आर्टिफिशियल रेट, कहां हमारा जू है, कहां हमारे इस महंगाई की मार के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप तो सत्ता में आए थे कि भी हम महंगाई को दूर करेंगे, आज किस मुंह से आप कहते हैं कि हम 50 सीटें जीतेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर? पहले लोगों को उनकी बातों का जवाब दे, फिर हमसे बात करें। 50 क्या, अब 5 का कर दे बात करें। सलमान खुर्शीद जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक कमेटी के लिए स्पेशली एक बयान दिया, उसके बाद काफी लोग जो है ये भी जानना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो उस बयान को किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली जम्मू प्रोविंस की बात करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लगातार लोग ये सवाल करें, इसलिए ये सवाल क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में आपका एक होता है और इसलिए ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। शुभम जी, मैंने ये बुक पढ़ी नहीं, और ये किस संदर्भ में उसकी उनके बयान को वो बयान कर रहे हैं, और मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि क्या लिखा गया सिटीजन, जब मैं पढ़ूंगा नहीं, बुक मेरे हाथ में नहीं होगी, मैं किसी के कहने की उसने ये कहा दूसरे ने वो कहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक चीज और जानना चाहूंगा, आखिर में दिवाली मिलन पर आजाद साहब जम्मू पहुंचे, तमाम नेतागण वहां उन्होंने इन्वाइट किया, वो वहां गए, मैंने वो तस्वीरें देखी, हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक भी तस्वीरें पहुंचाई, आजाद साहब से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, वो चाहे वो 30 सेकंड या 60 सेकंड से सवाल पूछा, मैंने पूछा सर लोग आपको जो है आने वाला सीएम के रूम में देख रहे हैं और युवाओं को काफी उम्मीद है आपसे, वो देख रहे हैं कि अगर रोजगार चाहिए तो आजाद साहब आएंगे शायद कुछ मिलेगा। उन्होंने जाते एक ही चीज कही, उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई तुम्हारा टॉप का एजेंडा रहेगा, लड़ाई होगी तो इसी पे होगी। आजाद साहब का कितना बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस के रिवाइवल में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जो है वो रहने वाला। मैं आपको यही बता दूं कि अगर आपने, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो हम लोग कहते हैं कि गोल्डन और डायमंड पीरियड जो था, हम भी सत्ता के भागीदार थे उन दिनों में, 2002 से लेकर 2008 का समय देख लीजिए, जिस तरीके से लोगों के दिल में इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का जो प्यार उमड़ता है आजाद साहब के लिए, वो तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और मुझे मालूम है कांग्रेस का नेतृत्व जब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ता है तो सत्ता गरीब आवाम तक पहुंचाने के लिए पीछे नहीं रहती, और हम सभी जब इकट्ठे होकर, मुझे उम्मीद है कि जब सभी इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जो आजाद साहब ने कहा है कि हमारा मुद्दा ही यही रहेगा, हम चैलेंज करते हैं ना आपके माध्यम से, जब आजाद साहब ने कहा या हम कहते हैं कि हमारा तो चैलेंज है कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, ये जो मुद्दे हैं ये आने वाले चुनाव में मुद्दे रहेंगे, ये मुद्दा नहीं रहेगा कि हमने 50 सीटें लानी है, मुद्दा रहेगा हमारी स्टेट कहा आप लोगों ने क्यों छीना, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर की गई, महंगाई क्यों नहीं दूर की गई, ये पानी और बिजली के जो बिल आप लोगों को भेजते हो ये क्यों नहीं आपने इनको इंसाफ दिया। आने वाले दिन में हम ये भी फैसला करेंगे कि बिजली कैसे कितनी मुफ्त देनी है, पानी कैसे कितना मुफ्त देना है, जो लोग आम आदमी और गरीब आवाम की जो जरूरत की चीजें हैं उनको किस तरीके के साथ के पास, जो 2014 में जो स्थिति थी वहां तक इनको लेके जाओ, डेवलपमेंट के आवाम खुले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया। थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल का। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जोगेश साहनी जी, लगातार मैं इनसे बातचीत करता हूँ जब भी करंट इशू कोई भी रहता है, और आज भी जिस तरीके से बात रखते हैं उसी तरीके से रखी है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो इस समय दो मुख्य
मुद्दे जो है वो काफी प्रभाव जो है वो लोगों पर भी डाल रहे हैं, क्योंकि सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पहला महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ती चली जा रही है जिस पर कोई भी जो है वो जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि 80,000-90,000 ये होगा वो होगा, लेकिन वो कब होगा कैसे होगा ये कोई रोड मैप जो है अभी तक तय नहीं किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन जब भी अनाउंस होंगे हम 50+ सीटें जो है वो लेकर आएंगे और अपना सीएम जो है वो बनाने जाएंगे। और साथ में उनका ये बयान आना कि हमने विपक्ष जो है वो खत्म हो गया, आज हमारे सामने विपक्ष नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल करना वो कितने जो है वो सही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। अजित डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।